give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you. For you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और हम आज आए हुए हैं गणपति टीवीएस लहतारा वाराणसी पे। और हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीवीएस रेडर 125 सुपर स्क्वाड एडिशन की। और मेरे बगल में जो खड़ी है ये है सुपर स्क्वाड एडिशन का आयरन मैन एडिशन। और हम इस वीडियो में डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे जो नॉर्मल रेडर 125 आती है उसमें से और सुपर स्क्वाड एडिशन में क्या डिफरेंसेस है, किन मामलों में ये उससे ज़्यादा बेहतर है और क्या क्या नए अपडेट्स इसमें आए हुए हैं। ये E20 पेट्रोल के साथ में आने वाला 2024 का लेटेस्ट वेरिएंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग इस वीडियो को शुरू करें और एक एक पॉइंट कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा जरूर। फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस बाइक के साथ में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें जो आपको की ऑफर होती है सेम पहले जैसी ही की ऑफर होती है जैसे कि रेडर में पहले की ऑफर होती थी। और ये की का डिज़ाइन अगर पर्सनली बोला जाए तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इनफैक्ट अपाची से ज़्यादा अच्छी और प्रीमियम की मेरे को ये लगती है और काफ़ी डिज़ाइनर की ये आपको लगने वाली है। 125 की सेगमेंट में इस टाइप की और किसी और बाइक में तो मेरे हिसाब से नहीं आती जिस स्टाइल की की आपको इसमें ऑफर हो जाती है। और इसमें आपको इंजन इमोबिल इलाइजेशन फीचर भी ऑफर हो जाए। अगर इस की के अलावा अगर आप सेम दूसरी भी की बनवा सकते हैं, अगर बनवा लेते हैं कहीं और से, तो वो उस की से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि इसमें आपको इंजन इमोबिलाइजेशन फीचर ऑफर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक के साथ में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें जो आपको हेडलैम्प ऑफर होता है जैसे पहले हेडलैम्प ऑफर होता है सेम उसी डिज़ाइन का ऑफर होने वाला है। यहाँ पे इसकी LED मिल जाती है और बम्बल बी का जैसा फेस होता है उस टाइप का इसका कुछ हेडलैम्प मिलने वाला है। और हेडलैम्प के डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तब से लेकर अभी तक इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और अट्रैक्टिव लगता है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि 125 सीसी में इसके अलावा कोई और ऐसी बाइक होगी जिसमें इस टाइप का हेडलैम्प, इतना अट्रैक्टिव सा हेडलैम्प आता होगा। और बात कर लेते हैं चेंजेस की सुपर स्क्वाड एडिशन में, तो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एवेंजर का लोगो मिल जाता है। और इस साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस जगह पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इस बाइक को एक नया लुक दे देती है। और अगर बात करते हैं नीचे के साइड में, तो नीचे के साइड में इस जगह पे भी आपको इसके मडगार्ड के ऊपर भी स्टिकरिंग मिल जाती है थोड़ी सी, और रेड कलर का आपको मडगार्ड मिलता है। पीछे के साइड में आपको ब्लैक मिल जाता है, फ्रंट में आपको ग्लॉसी रेड मिल जाता है, पीछे के साइड में आपको मैट ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। नीचे साइड में बढ़ेंगे तो आपको पेडल डिस्क मिल जाता है। और 125 सीसी में केवल एक यही बाइक आती है जिसमें आपको पेडल डिस्क ऑफर हो जाता है। यहाँ पर गोल्डन कलर कैलिपर इसमें आपको ऑफर हो जाता है। और इसके टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो 80/117 इंच का इसमें आपको टायर साइज ऑफर हो जाता है। चेंजेस तो कुछ नहीं है, जितने भी चेंजेस हैं मेनली स्टिकरिंग आपको मिल जाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एक लुक आ जाता है। मेनली ये बाइक उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जो एवेंजर के फ़ैन हैं, उनको ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इसमें जो स्टिकरिंग का यूज़ किया गया ना उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है इसमें। फ्रेंड्स, अगर इस बाइक के हम लोग साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप का इसमें आपको मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ में इसका साइड प्रोफाइल इसमें आपको ऑफर हो जाएगा। इस जगह पर आपको आर्क रिएक्टर मिल जाएगा। तो अगर आप एवेंजर के फ़ैन हैं तो आपको इसमें पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आयरन मैन का फ़ैन है तो आपको उसमें पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको आर्क रिएक्टर मिल जाता है, इन्फिनिटी सोर्स ऑफ एनर्जी आपको मिल जाती है। बट अगर आप आयरन मैन और एवेंजर के फ़ैन हैं तो आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा नॉर्मल बाइक के साथ में। E20 पेट्रोल के साथ में ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाती है। और इस जगह पर इसका एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जो कि कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है अभी, तो हाँ कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है। और मुझे ये जो रेडर इसका चार्जिंग सॉकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, रबराइज फिनिश के साथ में आता है, काफ़ी अच्छे से ये पैक हो जाता है, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस जगह में अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर सुपर स्क्वाड एडिशन लिखा हुआ मिल जाता है, यहाँ पर आयरन मैन का आपको फेस मिल जाता है। और स्टिकरिंग की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छे स्टिकर की क्वालिटी इसमें यूज़ की गई है। और नीचे के साइड में यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको टीवीएस का हॉर्स मिल जाता है, और उसके नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 63 की स्टिकरिंग जो कि सिर्फ आपको सुपर स्क्वाड एडिशन में मिलने वाली है। और थोड़ी सी स्टिकरिंग का यूज़ इस जगह पे किया गया है। इंटेलिगो फीचर यहाँ पे दिया जाता है जो कि पर्सनली मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता इंटेलिगो फीचर, इसकी जगह आप किल स्विच दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता। और नीचे के साइड बढ़ेंगे यहाँ काउल के ऊपर भी आपको थोड़ी सी स्टिकरिंग मिल जाती है। और इंजन कुछ इस टाइप का इसमें आपको मिलने वाला है, सेम वैसा इंजन वही परफॉर्मेंस देता है जैसे कि पहले 2 साल से देता रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है ना, जो स्टार्टिंग की रेडर आती थी और जो अब रेडर आती है उसमें थोड़ा सा इसके इंजन में रिफाइनमेंट है ना, वो थोड़ी सी इंक्रीज ज़रूर हो गई है पहले से। और बात करते हैं इसका साइलेंसर की, तो कुछ इस टाइप का इसमें आपको साइलेंसर मिलने वाला है जैसे पहले साइलेंसर मिलता था
सेम उसी टाइप का साइलेंसर अभी भी आपको ऑफर हो जाता है। और नीचे के साइड में हम बढ़ते हैं तो इसका टायर साइज की तरफ, तो 190/17 इसका इसमें आपको टायर साइज ऑफर हो जाता है, तो उससे रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं रहने वाला है। और चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज इसके टेल की तरफ आया है। यहाँ पे आपको पहले मैट ग्रे में मिलता था फिनिश, वो अब आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलता है। ग्लॉस ब्लैक के ऊपर यहाँ पे स्टिकरिंग मिलती है सुपर स्क्वाड एडिशन की प्रॉपर, यहाँ पे आयरन मैन का हेड मिल जाता है, रेड ग्रे में सब इसकी स्टिकरिंग मिलती है। और पर्सनली बोले तो इसका बैक लुक है ना सुपर स्क्वाड एडिशन में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है। पहले जो ग्रे लगता था नॉर्मल सा डिसेंट सा लगता था, पर ये ब्लैक होने के बाद ना थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है और अट्रैक्टिव लगने लगी है। साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप का रहने वाला है। पर्सनली बोला जाए साइड प्रोफाइल से सुपर स्क्वाड एडिशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको मेंशन कर देता हूँ, मैं टीवीएस रेडर का पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जो भी बात मेंशन किया उसमें एक बात हमेशा मैं मेंशन करता हूँ, जैसे टीवीएस रेडर का ये जो लोगो है ना इसकी क्वालिटी पहले से और इम्प्रूव करनी चाहिए टीवीएस को। मैं पहले बोल चुका हूँ बट इनकी जो जुपिटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लोगो आता है, बट इसमें थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर, इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी उसको थोड़ी सी और इम्प्रूव कर देते ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अगर लुक वाइज की बात करें तो लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है अभी भी, इससे रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं रहने वाला है। और बाकी कोई चेंजेस तो इसमें एक्स्ट्रा नहीं आए हैं, जितने भी चेंजेस आए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये जो आपको मिलता है एवेंजर का लोगो, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और इसके सीट की बात करें तो सीट कम्फर्ट मेरे को टीवीएस का पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसकी जो कुशनिंग यूज़ की जाती है ना वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि आप इस पर जब राइड करेंगे टीवीएस की जो स्कूटी हो गई या फिर इसकी जो बाइक हो गई उसमें जो सीटिंग कम्फर्ट यूज़ किया जाता है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। टेल लैम्प की बात करें टेल लैम्प कुछ इस टाइप का पहले की तरह ही लेना है, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है, मतलब कोई चेंजेस उसमें नहीं आए हैं। और इंडिकेटर इसमें पहले ही वाले नॉर्मल वाले हैलोजन वाले इंडिकेटर आपको मिलते हैं, साढ़े गार्ड इस जगह पे आपको मिल जाता है। और साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप की आपको रहने वाली है, जो माइलेज आपको निकाल के देती है 50-65 तक का माइलेज आपके राइडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल के दे देगी। पावर परफॉर्मेंस पहले जाता है पहले, बट पहले से थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। मैंने इसको चलाया था तो नई वाली जितनी बाइक आती है वो पहले थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई, बट पावर की बात है तो पावर पहले जैसा ही प्रोड्यूस करके दे रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। पावर मतलब पावर फिगर कोई चेंज नहीं आया, बट इंजन स्मूथनेस की अगर बात की जाए पहले से ज़्यादा ये स्मूथ हो गई है। और पर्सनली ये जो रेडर है ना 125 सेगमेंट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पावर के साथ एक माइलेज निकाल के दे देती है। मतलब कुछ बाइक हैं जो माइलेज अच्छा निकालती है, कुछ पावर अच्छा निकालती है, बट ये पावर और माइलेज से काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आता है। और कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक परफेक्ट लुक, एक अगर देखा जाए ना फ्रेश लुक के साथ में रेडर आपको अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स अगर कंक्लूजन की बात कर लें तो टीवीएस रेडर का जो सुपर स्क्वाड एडिशन है मेनली उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है जो कि एवेंजर के फ़ैन हैं और स्पेशली आयरन मैन या फिर ब्लैक पैंथर के फ़ैन हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये जो परफेक्ट बाइक निकल के आती है एवेंजर फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेनली यूथ इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जैसे कॉलेज गोइंग हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा एवेंजर्स के फ़ैन होते हैं, उन लोगों को एवेंजर्स देखना पसंद होता है और उन लोगों आयरन मैन ब्लैक पैंथर इसके फ़ैन होते हैं, तो उन लोगों को ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, उसे रिलेट कर पाएंगे। बट अगर नॉर्मल ऑफिस गोइंग है तो उनके लिए नॉर्मल जो रेडर आती है वो काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छी लगने वाली है, वो पसंद आते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी स्टिकरिंग चाहिए, क्योंकि रेडर में पहले कोई स्टिकरिंग वगैरह नहीं आती, इनकी जो कंपटीटर है आपकी SP125 उसमें स्टिकरिंग वगैरह आती थी, बट रेडर में कोई स्टिकरिंग वगैरह नहीं आती थी, तो उन लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, स्टिकर की वजह से काफ़ी ज़्यादा थोड़ी अट्रैक्टिव लगने वाली है बाइक। तो पर्सनली बोले तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जितने भी यूज़ किए गए स्टिकर के वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट यूज़ किया गया है स्टिकर का, उससे रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं रहने वाला है। तो अगर आप रेडर की तरफ जाना चाहते हैं तो वैसे भी आंख बंद करके आप जा सकते हैं, कि 125 सीसी में बहुत अच्छा पावर परफॉर्मेंस सब कुछ निकाल के देती है, माइलेज भी अच्छा निकाल के दे देती है। रिलायबिलिटी इशू थोड़े बहुत हैं बट उतने तो बाकी जितनी भी कंपनी से उनकी बाइक है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो हर प्रोडक्ट एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं होता, तो उस तरह से आप इसकी तरफ जा सकते हैं आंख बंद करके, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट प्रोडक्ट ही निकल के आने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, फिर मिलेंगे किसी और गाड़ी किसी और रास्ते पे, तब तक के लिए धन्यवाद। सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, बाय।